आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर दिखाती है कि इस वक्त बिहार में बाढ़ से क्या हालात हैं। खासकर दरभंगा जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और ये पुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो टूट गया है। और ये अपने आप में ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हालात इस वक्त दरभंगा जिले में जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। पहले से ही भस रहा था, इसमें मट्टी दे दे के कोई तरह काम चलाव था। इसके बाद अब पानी कमने लगा, इसके बाद पूरे भस गए, पिछले साल भी भसे हुए थे। इसमें रिपेयरिंग कर करके काम चला रहे हैं सर। पहले भी टूटा था सर। कितना प्रभाव क्या पड़ा है? इधर बहुत दिक्कत है सर। इधर बरही, बनवारा, ननौरा, कोयला थान, खिरमा, पूरे दरभंगा का रूटिंग इसी रास्ते से मधुबनी का जिले का तरफ का। ये पुल कब टूट गया? ये परसों रात को 9 बजे टूटा सर। 9 बजे जी। पहले से इसमें कटाव हो रहा था क्या? पहले से बाढ़ जब तूफान में बढ़ा था उस टाइम भी पहले से ही भस रहा था, इसमें मट्टी दे दे के कोई तरह काम चलाव था। उसके बाद अब पानी कमने लगा, इसके बाद पूरे भस गए, पिछले साल भी भसे हुए थे। इसमें रिपेयरिंग कर करके काम चला रहे हैं सर। पहले भी टूटा था सर। इससे कितना प्रभाव क्या पड़ा है आसपास के लोगों? इधर बहुत दिक्कत है सर। इधर बरही, बनवारा, ननौरा, कोयला थान, खिरमा, पूरे दरभंगा का रूटिंग इसी रास्ते से मधुबनी का जिले का तरफ का। आबादी भी प्रभावित हुआ है? बलहा, बनवा, बिरखौली, बार पोखर, बहुत आबादी है सर। कौन से नदी का पानी है फैला है? बागमती नदी है सर, लैला चौर की। प्रशासन अभी तक आया है इसको कुछ मरम्मत के लिए या फिर क्या करना है? जी नहीं, अभी कोई नहीं आया सर। मुझे ये बताइए पुल कब टूट गया? सर ये तो परसों टूट गया। कैसे? ये बाढ़ से टूटा है। बाढ़ से टूटा है जी। तो क्या पहले से भी कटाव हो रहा था? हाँ, पहले से कटाव था। इसका क्या असर हुआ है हम लोगों पर आने जाने वाले? हाँ, हम लोगों पर यही आना जाना के लिए है कि मैंने लालगंज, दिघियार, गठुल्ली, दहीपुरा, लालगंज, चक्का, लोहार, सबको दिक्कत है। क्या लगता है पहले भी टूटा था क्या ये? हाँ हाँ, पहले टूटा हुआ था। आते जाते कैसे अभी? अभी तो ऐसा ही, मतलब हम लोग तो सहनी है, उधर से हेल कर चले जाते हैं। पानी में हेल के जाते हैं जी। बाढ़ ने दरभंगा जिले में काफी तबाही मचाई है और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के खेवटी प्रखंड में। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये लैला चौर इलाका है और यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बागमती में जो बाढ़ की स्थिति है उसके वजह से आप देखिए ये पुल है, ये पुल ढह गया है, ध्वस्त हो गया है। और जो स्थानीय लोगों का बताना है कि धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों से लगातार कटाव हो रहा था, पुल के नीचे जो मिट्टी थी उसमें कटाव हो रहा था, जिसके कारण 2 दिन पहले ये पुल जो है वो जवाब दे गया और ध्वस्त हो चुका है। और आपकी देख सकते हैं किस तरीके से अब बागमती नदी का पानी जो है नए इलाकों में भी फैलता जा रहा है। और इस पुल के टूट जाने से तकरीबन 1 दर्जन पंचायत इससे प्रभावित हुए हैं, हजारों की आबादी प्रभावित हुई है और अब लोगों को जो है वो लंबे रास्ते से कहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर दिखाती है कि इस वक्त बिहार में बाढ़ से क्या हालात हैं। खासकर दरभंगा जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और ये पुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो टूट गया है। और ये अपने आप में ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हालात इस वक्त दरभंगा जिले में जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रहलाद के साथ रोहित सिंह, खेवटी, दरभंगा, आज तक।